अब अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारनी है, जो उसूल है याद रखें, एक क्या है सबसे पहले तो मोहब्बत, दूसरा एतमाद यानी भरोसा। एक ये बहुत ही बड़ी बुनियादी चीज है, अगर हम चाहते हैं कि खुशी और हुस्न के साथ जिंदगी गुजारे तो मोहब्बत हो और इजहार हो। ये वो जगह नहीं है जो छुपाए, इजहार के भी कुछ आदाब होंगे, वो चीजें इस रिश्ते को लेके चलता है। यानी ये रिश्ते में जो है सो एतमाद और मोहब्बत, ये दो चीज होनी जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को, किससे? जहन्नम की आग से। अपने घर में जो है सो दीन को लेकर आए, घर वालों यानी खैर की बातें सिखाओ, यानी मियां बीवी दोनों एक दूसरे की कमियों पर निगाह ना रखें, खूबियों पर निगाह रखें, क्यों? अखलाक ही इंसान की खूबसूरती है। यानी कोई मोमिन मर्द कोई मोमिन औरत एक दूसरे से नफरत ना करे, इन कमियों के बावजूद निभा करना, ये अकलमंदी है, इंसाफ है, रहमदिली है, सब कुछ है, ये बहुत अहम उसूल है। अक्सर जो है सो मियाँ भी लड़ाई झगड़ा होते दोनों एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते, एक दूसरे की कमियों पर सब्र करे, इंतजार करे और थोड़ी सी कोशिश, मियाँ बिगड़ा हुआ है या बीवी बिगड़ी हुई है, इंतजार करे, कोशिश करे सुधारने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की मदद सब्र के साथ है और खुशहाली तकलीफ के साथ है और हर मुश्किल आसानी के साथ है, सब्र करना है। और सूरह असर में भी बयान किए गए हैं कि वतवासो बिल हक नहीं वतवासो बिस सब्र, और सूरह बकरा आयत नंबर 153 में भी है, सब्र और नमाज के जरिए मांगो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह से मांगने का तरीका बताया जा रहा है, कोई तकलीफ कोई मुश्किल कोई परेशानी आए तो सब्र करे और नमाज पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मुसीबत आती परेशानी आती तो सब्र करते और मस्जिद की तरफ दौड़ते और नमाज पढ़ते। ये तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम भूल गए हैं। आज हम क्या करते, जब भी कोई तकलीफ मुसीबत आती सबसे पहले हम लोगों के सामने भागते, या तो फिर वो मुल्ला के पास या फिर मुर्शिद के पास या फिर कहीं भी जादूगरों के पास, वहां भागते और हाथ फैलाते हैं, लोगों से मदद के लिए चिल्लाते हैं। बल्कि ये होना चाहिए कि हम सब्र करें और अल्लाह के से दुआएं करें और नमाज तरफ जाएं। ये नहीं करते, कोई सब्र करना ही नहीं चाहता, यानी हर चीज में जल्दबाजी करना चाहता है। कोई मुसीबत और तकलीफ आ जाए तो कोसने और काटने चिल्लाने लग जाते, चलो सब्र करे, ये नहीं बस। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब्र करने वालों को खुशखबरियां दे दो। किसको? जब कोई मुसीबत आती कोई परेशानी आती तो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलटने वाले। जब अल्लाह ही की तरफ हम जा रहे तो फिर अल्लाह ही की तरफ हम जाकर रुख करें, अल्लाह ही के पास हमको जब वापस जाना है तो उसके अहकाम को और उसके हुक्मों को हमको मानना है। सब्र करने वालों को बेहतरीन बदला देंगे बेहतरीन अमलों पर जो वो करते थे, क्यों ना हो। जब इंसान अल्लाह के लिए सब्र करे तो अल्लाह ताला बेहतरीन उसका अजर देगा। तो लिहाजा हमको जो है सब्र करना है। सूरह जुमर आयत नंबर 10 में भी है, सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के पूरा बदला दिया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सब्र का बदला सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं। अब हमारा क्या है, तो यही है ना मेन फोकस, हमारा यही होना चाहिए कि हम जो है सो जहन्नुम से बच जाएं और जन्नत हमको जन्नत में चले जाएं। यानी सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है ना कि जहन्नुम से बच जाना और जन्नत में चले जाना। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, सबर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं। तो हमको जन्नत चाहिए तो सबर करना है, सबर कर ले अल्लाह के लिए। कब? जब ऐसा कोई मामला हो जाए, जुल्म व ज्यादत की शक्ल इख्तियार कर जाए इस रिश्ते में, तो उस पर जो है आप सबर कर ले, उसका बदला जन्नत के सिवाय कुछ भी नहीं। इन हुकूक जो मियाँ बीवी के है उसको छोड़ दिया जाता है तो उसको पामाल किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसका नतीजा यानी इसका रिजल्ट ये होता है जो तलाक की शक्ल में जाहिर होता है, जो एक दूसरे के खानदानों की इज्जतें गिराने इज्जतें उछालने पर खत्म होता है, जो खुला की शक्ल में झगड़ों की शक्ल में फितने की शक्ल में फसाद की शक्ल में यानी कत्ल की शक्ल भी अख्तियार करता बाज वक्त, तो आखिर में जाके ये तमाम चीजें बहरहाल होती है ये इस दुनिया में जिंदगी में ये सारी चीजें। आजकल तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो रही है क्योंकि सबर नहीं करते बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है,
बस वक्त भी रहते रीजन, ऐसा ऐसा नहीं है, मगर आम तौर पे छोटी सी बात हो जाती, छोटी सी बात को इतना बड़ा इश्यू बना देते और वो जुल्म ज्यादती इस तरह से समझ के फिर एक नए स्टेप्स लेना शुरू कर देते। अगर हम बुनियादी तौर से ये जान ले तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसान होगा इस रिश्ते को कायम रखना, बल्कि इस नाजुक रिश्ते को कायम रखना, क्योंकि ये सबसे नाजुक रिश्ता है। इसलिए कि जब ये रिश्ता टूटता है तो खानदान मुतासिर होते हैं, फिर बर्बाद हो जाती है, दो खानदानों के अलावा एक नस्ल बर्बाद हो जाती है, यानी एक जनरेशन बर्बाद हो जाती है। इससे लेसन ये लेना है हमको, 10 की वर्ड्स है जो अपने अंदर ले आइए, ताल्लुकात खूबसूरत होंगे। एक तो आजिजी, फिर दूसरे खिदमत, फिर शुक्रगुजारी, फिर मोहब्बत, फिर नरमी, फिर सबर, ये बर्दाश्त, ये होशमंदी, ये और एहतमाम, इंटरेस्ट लेना। 10 चीजें अपने अंदर ले आइए, जिंदगी खूबसूरत होगी।